अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू देखने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है आलू के पकौड़े। तो चले मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बेसन चाहिए होगा 1 कप, हरा धनिया चाहिए होगा 1/2 कप, इसे कट कर लें। हरी मिर्चें चाहिए होंगी आपको 2, मैंने इसको बारीक कट कर लिया है। प्याज आपको चाहिए होगी 1 लार्ज साइज की, इसको मैंने कट कर लिया है। रेड मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, नमक आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, कम या ज़्यादा, जो जैसा आपको टेस्ट पसंद हो। उसके अलावा आपको आलू चाहिए होंगे, 1 मैंने 1 लार्ज साइज का लिया आलू, उसको मैंने कट कर लिया। और ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा आपको चाहिए होगा 2 पिंच। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। बेसन में रेड मिर्च डाल देंगे, इसके अलावा सूखा धनिया डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे, 2 पिंच डालना है इसमें, 1 एंड 2। इसके अलावा हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और आलू डाल देंगे। नमक डाल देंगे, नमक कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हाथों से मिक्स करते जाएंगे। बैटर जो है आपने ना ज़्यादा नरम रखना है और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है, नॉर्मल बनाना है। एकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ज़्यादा डाल देंगी तो फिर आपका बैटर जो है बहुत ज़्यादा पतला बन जाएगा। अगर पतला बन जाए तो उसमें थोड़ा सा बेसन और डाल दिया करें और थोड़ा सा नमक। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया पकौड़ों का, देख सकते हैं इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब पकौड़े स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दी है, अब मैं गैस ऑन कर दूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है। ऑयल गर्म होने का तरीका ये है चेक करने का कि थोड़ा सा आप इसमें बेसन डालें। अब ये देखें बबल्स बनना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, और पकौड़े सारे डाल देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है, अब हम इसमें पकौड़े डाल देंगे अपने सारे। पकौड़ों का साइज छोटा या बड़ा वो आप अपनी मर्जी से करेंगे, मुझे नॉर्मल पसंद है, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। जब एक साइड इसकी पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें पकौड़ों की। अब मैंने साइड को पलट लिया, मैं इसकी दूसरी साइड जो है उसको भी गोल्डन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन।
जब दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आराम से फिर पलटे को इस तरह से प्रेस करें आराम आराम से, ताकि जो अंदर से हमने पकौड़ों के अंदर आलू डाले हैं वो भी अंदर से गल जाए जब दोनों साइड्स ब्राउन हो जाए तब। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी कच्चे पकौड़ों के ऊपर इस तरह से प्रेस मत कीजिएगा, वरना आपके पकौड़े जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे। जब दोनों साइड ब्राउन हो जाए उसके बाद फिर आराम आराम से इस तरीके से प्रेस करें। ये देखिए हमारे पकोड़े जो हैं रेडी हो गए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से ऑयल जो है उसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए इसी तरह से हम अपने सारे पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने दूसरी बार फिर मैंने पकोड़े डाल दिए कढ़ाई में। इनकी भी मैं दोनों साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन कर दूंगी। बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बने हुए हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू से ही पता चल जाता है कि चीज़ लाजवाब होगी। ये देखिए बस मैंने दूसरे भी डाले थे पकोड़े, उनको भी मैं निकाल लेती हूँ उसमें। देख सकते हैं आप इसकी शक्ल, देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। गैस बंद कर देंगे हम। ये देखें बहुत मज़ेदार बने हुए हैं। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालती हूँ। ये देखें व्यूवर्स हमारे आलू के पकोड़े रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।